किया जा रहा है, जो स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के साथ लगभग 750 फोर व्हीलर की क्षमता के साथ तैयार की जाएगी। दर्शनार्थी यहां से सीधे फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से महाकाल प्लाजा तक पहुंचेंगे। महाकाल प्लाजा में दर्शनार्थियों के लिए एक अद्भुत दर्शनीय स्थल और पब्लिक प्लाजा होगा, जिसे सनातन हिंदू धर्म एवं वैदिक थीम पर बनाया जा रहा है। यहाँ शिव थीम पर आधारित लोटस फोर्ट, सप्तऋषि प्लाजा, शिव स्तंभ, ओपन एयर थिएटर, लेक फ्रंट डेक एरिया और ग्रीन स्पेस आदि का विकास किया जाएगा। महाकाल प्लाजा में कई आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट टिकट कियोस्क, टॉयलेट्स, बैठने योग्य छायादार स्थान की सुविधा भी विकसित होगी। महाकाल प्लाजा से श्रद्धालु पाथवे के माध्यम से सीधे महाकाल कॉरिडोर से जुड़ेंगे। महाकाल कॉरिडोर मंदिर पहुंचने का मुख्य और आकर्षक पैदल एवं ई रिक्शा मार्ग है। इसे शिव थीम पर आधारित स्तंभों, म्यूरल वॉल और छायादार वृक्षों के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ लगभग 3-3 मीटर के दो पैदल मार्ग के साथ 6 मीटर चौड़ा ई रिक्शा लेन भी विकसित होगा। महाकाल विकास योजना में रुद्र सागर का गहरीकरण करते हुए शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे पाइप के माध्यम से शिप्रा का जल रुद्र सागर में लाकर जल स्तर नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही अंडरग्राउंड सीवरेज का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा जल को फिल्टर करके शुद्ध जल रुद्र सागर में डाला जाएगा। रुद्र सागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत महाकाल कॉरिडोर को और आकर्षक बनाने के लिए यहां वैदिक वृक्षों से युक्त महाकाल वन, थीम पार्क, स्टेप गार्डन, म्यूरल पार्क, घाट एवं शॉप्स आदि का विकास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की उज्जैन यात्रा अविस्मरणीय होगी। महाकाल कॉरिडोर पर मिडवे जोन का विकास किया जाएगा, जिसमें क्राफ्ट बाजार और कमांड कंट्रोल सेंटर का विकास किया जाएगा। इस कॉरिडोर से श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के विजिटर फैसिलिटी सेंटर 2 तक आएंगे और सीधे गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। श्री महाकाल मंदिर परिसर विकास कार्य इस परियोजना का मुख्य हिस्सा है, जिसका विकास कार्य मुख्यतः 6 घटक